नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की लिंक को पुनः शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों ने कर्मचारी चयन मंडल के बाहर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी अधिसूचना में गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 26 जून से 10 जुलाई तक निर्धारित किए गए थे, लेकिन सर्वर धीमा होने के कारण लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए, जिससे उनमें खासी निराशा है। ऐसे में कर्मचारी चयन मंडल से सभी अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की लिंक एक बार फिर शुरू की जाए, ताकि वंचित अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सके। नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत सिंह राजावत है, मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हूँ। मैं धरने पे इसलिए बैठा हूँ, 24 जुलाई को मैंने यहाँ पर ज्ञापन दिया था एमपी कांस्टेबल की डेट रीओपन कराने के लिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं। उन्होंने ज्ञापन को स्वीकार किया और उसको रिसीविंग दी थी और उन्होंने शाम तक डेट भरने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक लिंक रीओपन नहीं हो जाती है। लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित हो गए क्योंकि सर्वर डाउन चलते रहे है, सर्वर नहीं चले है। 14 दिन का टाइम मिला था, उसमें ज्यादातर समय सर्वर नहीं चले है। आज धरने पे तब तक नाम बताओ। धर्मेंद्र कुमार, भोपाल से हूँ मैं। हम लोग अभी व्यापम पे धरना दे रहे हैं हम कॉन्स्टेबल की डेट एक्सटेंड कराने के लिए। अभी डेट जब बढ़ी थी लास्ट टाइम पे था, तो इन्होंने 5 दिन तक बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठे हैं सुबह से। इनकी साइड डाउन थी, ये हमारी मेन मांग है कि आज डेट बढ़ेगी और डेट बढ़वा नहीं हो। और अभी तक हम 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं पहले इन लोगों को, मुख्यमंत्री आवास में भी ज्ञापन दे के आए हम लोग, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी के यहाँ भी दिया है, विपक्ष के नेताओं को भी दिया है और व्यापम में भी इससे पहले 2 बार आवेदन दे चुके हैं हम लोग। डेट नहीं बढ़ाई, आश्वासन दिया जा रहा है कि डेट बढ़ जाएगी और 12 तारीख को फॉर्म पेपर स्टार्ट होना है। इसलिए जो 4-5 लाख लोग जो फॉर्म बच्चे हैं भरने के लिए, उनके लिए डेट बढ़ाई जाए। पिछली बार जो फॉर्म भराए थे कॉन्स्टेबल के, वो 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, इस बार ओनली 8 लाख लोग ही फॉर्म भर पाए हैं, क्योंकि 5-7 दिन जो सर्वर नहीं डाल रहा उससे बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं। ये हमारी मुख्य मांग थी और ये धरना हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक डेट नहीं बढ़ेगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।